बीजेपी नेत्री सोनाली मर्डर मामले में एक नया मोड़ आया है। सोशल मीडिया पर सोनाली मर्डर मामले से जुड़ी दो गुमनाम चिट्ठियां काफी वायरल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि ये गुमनाम चिट्ठियां सोनाली के परिवार के पास पहुंची हैं, जिनमें सोनाली के कत्ल की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि राजनीतिक करियर बचाने के लिए पीए सुधीर सांगवान को 10 करोड़ रुपए देकर सोनाली का मर्डर करवाया गया। यह गुमनाम चिट्ठियां सोनाली के परिवार और पुलिस को भेजी गई हैं, जिसमें नेताओं के नाम लिखे हुए हैं। चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सोनाली फोगाट मर्डर टिप। प्रिय फोगाट और ढाका परिवार के सम्मानित जन, मुझे सोनाली जी की दुखद मृत्यु का बड़ा अफसोस है। इस दुखद घड़ी में मैं और मेरा सकल परिवार आपके साथ है। भगवान सोनाली बेटी की आत्मा को शांति प्रदान करे। खासकर सोनाली जी की बेटी जो पहले ही अपने पिता को खो चुकी है, यह मृत्यु उसके लिए असहनीय है। परमात्मा बच्ची को सहारा दे ताकि वह असीम दुख सहन कर सके। मैं आप लोगों को उनके मर्डर के संबंध में कुछ सूचित करना चाहता हूं। इस मर्डर के पीछे के बड़े लीडर्स का हाथ है। सुधीर सांगवान एक मोहरा है, जिसे मोटी रकम देकर यह घिनौना काम करवाया गया है। हैं और बहुत ज्यादा अम्बिशियस हैं। नेक्स्ट चुनाव में टिकट के दावेदार भी हैं। पब्लिक को के नाम पर ब्लैकमेल कर मोटा चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसका पूरा हिसाब पार्टी को भी नहीं देते। इसलिए वह कुछ लोकल के लीडर्स का चमचा बना हुआ है। इसने ही सुधीर सांगवान द्वारा सोनाली जी के मर्डर का प्लान रचा है और सुधीर को मोटे रुपए दिए हैं। इन रुपयों में वह बेहिसाब रुपए भी हैं जो चंदे में इकट्ठे किए हैं और पार्टी को इसका हिसाब नहीं दिया है। यह नेता लोग डरे हुए थे कि सोनाली फोगाट को आदमपुर से टिकट नहीं मिलता तो वह उन्हें नंगा कर देगी, उनकी बदनामी होगी और उनकी पब्लिक लाइफ और नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। उन्हें डर था कि उन्हें पार्टी से भी निकाला जा सकता था, इसलिए उन्होंने सोनाली जी को अपने रास्ते से हटाने में ही अपनी भलाई समझी और इसका एक प्लान बनाया गया। को यह जिम्मेदारी दी गई और उसने सोनाली के पीए को लालच देकर पटाया। सुधीर को 10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया, जिसके लिए सुधीर तैयार हो गया। अगर की कॉल डिटेल्स और उस द्वारा लिए पार्टी चंदे की पड़ताल की जाए तो यह साबित हो जाएगा। मेरी इच्छा केवल सोनाली बेटी को इंसाफ दिलाने की है। मेरा और किसी भी नेता से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको जानता भी नहीं। बस एक नेता ने शराब के नशे में यह राज मुझे बता दिया था। मुझसे यह जुल्म सहन नहीं हुआ और रहा नहीं गया, क्योंकि इस मामले में कुछ बड़े और लोकल नेता भी षड्यंत्र में शामिल हैं। मुझे नहीं लगता सरकार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड मानेगी। हाँ, केवल से सख्ती से पूछताछ की जाए, सब उगल देगा और सोनाली बेटी और परिवार को न्याय मिल सकता है। आपका शुभचिंतक, जो डर से अपना नाम नहीं दे सकता। चिट्ठी भेजने वाले का दावा है कि वह सिर्फ सोनाली के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहता है। उसे सोनाली की बेटी यशोद्रा को लेकर बड़ा दुख हुआ है। हालांकि चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम या फिर पता नहीं लिखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के सी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।